हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज के हमारे प्रीलिम्स प्राइम वीडियो की सीरीज़ में हम इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे रीसेंट न्यूज़ अगर देखी जाए तो नेपाल ने जो अपना ऑफिशियल मैप रिलीज़ किया था कंट्री का, जिसके लिए इंडिया को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इंडिया का ऐसे कहना था कि उसमें उत्तराखंड की जो टेरिटरी है वो क्लेम की है नेपाल ने। पर एनीवेज नेपाल ने अब वो मैप को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया है और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बिल भी पास हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये जो पूरा इशू है ये बहुत कॉम्प्रहेंसिवली एक दूसरे वीडियो में कवर किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें एक्चुअली हमारा ये जो बाउंड्री का मैटर है इट गोज़ बैक टू 1814 टू 1816 जब एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में हुआ था, दोनों को ही अपनी टेरिटरी एक्सपांड करनी थी, तो फिर वॉर हुआ था और उस वॉर का कंक्लूजन था कि ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी 1816 में। तो तब थोड़ी बहुत बात हुई थी कि कहाँ पे बाउंड्री रहेगी, कैसे रहेगी, और तब ऐसी बात की गई थी कि काली रिवर जो है वो जहाँ से बहती है वो बाउंड्री है, पर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था कि वो कहाँ से फ्लो करती है कहाँ से नहीं। तो फिर ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे और इस एक चीज़ को दोनों ही कंट्रीज़ ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंडिया का कहना है कि काली रिवर काला पानी से ओरिजिनेट होती है और नेपाल का मानना है कि लिम्पिया धूरा से। तो फिर लिम्पिया धूरा बहुत अंदर तक आता है इंडिया की टेरिटरी में, तो इसीलिए अब नेपाल ने इस मैप को अडॉप्ट कर लिया है ऑफिशियली। अब इंडिया के लिए नेपाल इतना ज़रूरी क्यों है कि हम ऐसे प्रॉब्लम्स अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के साथ जो कि हमारी बाउंड्रिंग कंट्रीज़ है उनके साथ एक मतलब इशू रहा है बॉर्डर से रिलेटेड। ठीक है, तो फिर अब हम नेपाल को लूज़ नहीं कर सकते, हमें रिलेशंस मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे इंडिया ने क्या रिएक्ट किया है, फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बस इतना कहना है कि जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी दोनों कंट्रीज़ में, इसे नेपाल ने ब्रेक किया है। तो अब इन्होंने जो एनलार्जमेंट किया है या फिर जो टेरिटरी क्लेम की है इसको कोई हिस्टोरिकल बेसिस भी नहीं है, तो अब हमें बस ये देखना होगा कि दोनों कंट्रीज़ किस तरह से वर्कआउट करती है इस प्रॉब्लम को। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब फॉरेन सेक्रेटरीज़ या फिर सीनियर एनवॉयज बैठ के इस चीज़ को निगोशिएट या फिर डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब इसीलिए ये एक थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। अब बस हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से हैंडल किया जाता है। अब नेपाल के बारे में देखें तो नेपाल की पॉपुलेशन इज़ 29 मिलियन और वो हमारी जो स्टेट्स है हमारी 5 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ठीक है, अब ये 5 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है और नेपाल के नदन साइड पे टिबेट का ऑटोनॉमस रीजन है। अब इंडिया और नेपाल के रिलेशंस गो वे बैक इन द 1950s जब दोनों के बीच में पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी, तो इस ट्रीटी को बेडरॉक माना जाता है कि हमारे रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे तब। और अब यहाँ पे इस ट्रीटी के कुछ प्रोविजंस हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वो हम देख लेते हैं। पूरी ट्रीटी तो हम नहीं देख सकते, बस ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल शैल बी फ्री टू इम्पोर्ट, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, नेपाल के पास बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है सी का, इसीलिए हमारे ट्रेडिंग रूट से, इंडिया के ट्रेडिंग रूट से नेपाल खुद के लिए चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब ऐसे नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल गुड्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होंगे, बट उसमें आर्म्स, एम्यूनिशंस, वॉर लाइक मटीरियल, इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी ऑफ नेपाल, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ऑलराइट, और अब यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ ने अग्री किया था कि ऑन रेसिप्रोकल बेसिस दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे के नेशनल्स को ट्राई करेंगी कि इक्वली ट्रीट करें और सेम प्रिविलेजेस देंगे इन मैटर ऑफ रेसिडेंस, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, पार्टिसिपेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मूवमेंट एंड अदर प्रिविलेजेस ऑफ सिमिलर नेचर। अब जैसे कि आपको पता है कि नेपाल के लिए भी नेपाल के लोग भी एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं हमारी कंट्री में, तो फिर हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है। ठीक है,
अब प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं दोनों के बीच में। अब इंडिया एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है नेपाल के डेवलपमेंट के मामले में। द लैटर रिसीव्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड सॉलिडैरिटी फ्रॉम पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब 2015 में एक मैसिव अर्थक्वेक आया था नेपाल में, इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी नेपाल की। वहाँ पे हाउसेस वगैरह कंस्ट्रक्ट कर दिए गए थे और मतलब ट्राई किया गया था कि अर्थक्वेक प्रूफ हाउसेस हो, और इंडियन कोऑपरेशन स्टार्टेड इन 1952 विद कंस्ट्रक्शन ऑफ एयर स्ट्रिप एट गौचरण। ठीक है, तो एयर स्ट्रिप भी कंस्ट्रक्ट की थी। प्लस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर एट बिर हॉस्पिटल, मनमोहन मेमोरियल पॉलिटेक्निक, और मतलब ये जो तीन चीज़ें हैं ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स कहा जाता है इनको, और ये कंप्लीटेड और ऑपरेशनलाइज्ड है काफ़ी समय से। और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए गए हैं ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर, और फिर डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे MOU भी साइन किया गया था। हमारी और नेपाल की बॉर्डर पे 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया है। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेपाल्स कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन हेल्ड इन काठमांडू ऑन June 2015, जिसमें इंडिया ने प्लेज किया था और इंडिया ने फंड दिया था ऑफ $250 मिलियन। ठीक है, $250 मिलियन की ग्रांट दी थी, प्लस $750 मिलियन का सॉफ्ट लोन भी प्रोवाइड किया था नेपाल को। ठीक है, उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अब यहाँ पे इंडिया, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने जब विज़िट किया था इन नेपाल 2014, तो वहाँ पे उन्होंने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी नेपाल को ऑफर किया है, दे दिया है मतलब। और अब यहाँ पे फ़िलहाल अगर हम बिल्कुल ही रीसेंट डेवलपमेंट देखें तो ये पॉइंट आपके लिए एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 69 किलोमीटर मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन। ठीक है, अब ये जो है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन है जो 2 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम ये जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वहाँ पे भेजेगा नेपाल में एट अफोर्डेबल कॉस्ट, और इसके वजह से पेट्रोल की वगैरह कॉस्ट भी नेपाल में कम हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट इज़ बीइंग लेड बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन, और अरुण थी हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है इंडिया ने। अब यहाँ पे हम कोऑपरेशन इन वाटर रिसोर्सेज देखते हैं कि अब वाटर रिसोर्सेज के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए दोनों ही गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्रियल लेवल की दो तीन कमिटीज़ हैं, कमीशन्स बनाई हैं, जिसे एक है जिसमें से जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन फॉर वाटर रिसोर्सेज, जॉइंट कमिटी ऑन वाटर रिसोर्सेज एंड जॉइंट स्टैंडिंग टेक्निकल कमिटी। ठीक है, अब ये फ्लड फोरकास्ट भी करेंगी और हमारे वाटर रिसोर्सेज के जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें भी मॉनिटर करेंगी। एडिशनल मैकेनिज्म में जॉइंट कमिटी ऑन इनंडेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट भी है, विच डील्स एक्सप्लिसिटली विद द इशू ऑफ इनंडेशन एम्बैंकमेंट्स एंड फ्लड फोरकास्टिंग। इंडिया हैव रीच्ड अग्रीमेंट विथ द इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल। अब यहाँ पे जो दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इसमें इंडिया इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उनका नाम है अपर कर्णाली और अरुण 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर नोट कीजिएगा। इंडिया नेपाल ट्रेड रिलेशंस हम देख लेते हैं। इंडिया जो है नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये इन्हीं ऐसे ही वर्ड्स की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड ट्रांजिट फैसिलिटी फॉर नेपाल फॉर थर्ड कंट्री ट्रेड, जो हमने अभी देखा। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑफ इंडिया हैव इन्वेस्टेड इन नेपाल। द ट्रेड स्टैटिस्टिक रिवील दैट फेनोमिनल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ बायलैटरल ट्रेड ओवर द ईयर्स। ठीक है, हमारे ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा एक इंक्रीज़ देखने को मिला है। बस यहाँ पे अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की जो टोटल बायलैटरल ट्रेड है विद नेपाल 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में इट स्टूड ऑन $6.82 बिलियन। ठीक है, पर इसमें से इंडिया के जो एक्सपोर्ट थे, इंडिया ने जो चीज़ें एक्सपोर्ट की थी नेपाल को, वो थे
6.38 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डेफिसिट है। और हमने जो नेपाल से गुड्स लिए हैं वो थे 437 मिलियन, सिर्फ 437 मिलियन। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नेपाल एंड इंडिया हैव कंक्लूडेड बायलैटरल ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट, ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड एग्रीमेंट ऑफ कॉपरेशन टू कंट्रोल अनऑथराइज्ड ट्रेड। तो ये हमारा बस ट्रेड स्मूथ करने के लिए ये तीनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पे सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड बाउंड्री मैनेजमेंट के लिए दो कमिटीज़ हैं, जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी। अब ये होम सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग्स है, बट अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कमिटीज़ ऑलमोस्ट 2000 के बाद कभी मिली ही नहीं है और बैठी ही नहीं है, तो ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है। अब शायद बैठ जाए, हम देखते हैं कि क्या होता है अब। और हम दोनों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसका नाम है सूर्य किरण। ठीक है, और ये एवरी ऑल्टरनेटिवली इंडिया और नेपाल में होती है हर 6 मंथ में। और मल्टीलैटरल और रीजनल लेवल पे अगर हम देखें तो दोनों का कॉमन अप्रोच है टूवर्ड्स रीजनल एंड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस और टेररिज्म के ऊपर वगैरह, और यूनाइटेड नेशंस, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इनमें हमारा कॉमन अप्रोच है। और जैसे कि हम सार्क, बिमस्टेक और BBIN, इन सारी चीज़ों में साथ में वर्क करते हैं। ठीक है, तो इतना ही था हमारे इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में। अब हम अगर प्रॉब्लम्स की बात करें, हमने यहाँ पे जानबूझ के वो चीज़ें इंक्लूड नहीं की गई है। प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो हमें बस इतना देखना है कि नेपाल इंडिया को एक बिग ब्रदरली एटीट्यूड के वजह से ऐसे कहता है कि इंडिया का बहुत ज़्यादा बिग ब्रदरली एटीट्यूड है। अगर उनके कंट्री में कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो इंडिया हमेशा इंटरफेयर करता है, ऐसे उनका कहना है। प्लस चाइना फैक्टर इज़ ऑलवेज देयर, हमारे जितने भी बाउंड्रिंग कंट्रीज़ के साथ, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस में प्रॉब्लम है, उसकी वजह कहीं ना कहीं चाइना है ही। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स।